उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर निषाद को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, सर्वथा आदरणीय हैं, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है, उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर निषाद ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिव शंकर जी तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से बोले, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो वत्स। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया भगवन, ऐसा कहता हुआ उनके चरणों में झुक गया। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए शिव ने उसे दिव्य वर दिए। शिव शंकर बोले, निषाद, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लोगे, दिव्य भोगों का उपभोग करोगे, तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। निषाद, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम श्रृंगवेरपुर के महाराज निषाद राज गुहा के नाम से जाने जाओगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृगयोनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी होकर विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से ही शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भक्तों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी श्रृंगवेरपुर में रहने लगा। उसने निषाद राज गुहा के नाम से भगवान श्री राम की मित्रता व कृपा प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है, संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में
भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रत राज के नाम से विख्यात है, इसे महाशिवरात्रि भी कहते हैं।